आपकी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके तरफ देख के कोई थूकना भी नहीं चाहेगा, और उनके कुछ समर्थक हम लोग की पार्टी में अब रोज चलता रहता है। गोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया में रोज चलता रहता है। क्या चलता है गोदी मीडिया में कि नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत नज़दीकी बढ़ रही है। अरे बहुत नज़दीकी बढ़ रही है तो सलाहकार हैं आप नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी 7 जन्म में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने के लायक भी पार्टी वो नहीं है जिसकी तरफ देखा जाए। वो पार्टी ऐसा है जिसके तरफ थूकने क्या है भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व। भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता से जो वादा किया, एक तो वादा पूरा किया है, कौन सा वादा पूरा किया, कौन सा वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरा किया है। नीतीश फिर पलटी मारेंगे या नहीं, इन तमाम सवालों का जवाब जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दे दिया। ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार तमाम चीजें देख रहे हैं, और अब जिस पार्टी के तरफ जाने की बात की जा रही है उसके तरफ देखना भी गुनाह है। 7 जन्म में नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ नहीं देखेंगे, पलटी मारने की बात कौन करता है। दरअसल बीजेपी नेताओं के तमाम बयानों के बाद जेडीयू की पहली सफाई आई है, और ललन सिंह ने जिस तरीके से सफाई दी है, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को लेकर जो बयानबाजी की जा रही है भविष्य में वो सच साबित नहीं होगी। अब संभावना पूरी तरीके से खत्म हो गई है, नीतीश कभी पलट कर बीजेपी के तरफ नहीं देखने वाले हैं। ललन सिंह ने साफ साफ बता दिया है कि नीतीश कहीं जाने वाले नहीं है, बल्कि नीतीश पूरी एकजुटता के साथ इंडिया गठबंधन में मौजूद रहेंगे। सुनिए ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार के पलटी मारने वाले सवाल पर, सुशील मोदी के द्वारा कहे गए उस खुलासे पर जिसे लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ है कि नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी बहुत नजदीकी बढ़ रही है। अरे बहुत नज़दीकी बढ़ रही है तो सलाहकार हैं आप नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी 7 जन्म में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने के लायक भी पार्टी वो नहीं है जिसकी तरफ देखा जाए। वो पार्टी ऐसा है जिसके तरफ थूकने क्या है भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व। जी भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता से जो वादा किया, एक तो वादा पूरा किया है, कौन सा वादा पूरा किया, कौन सा वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरा किया है। न रोजगार के दिशा में, न महंगाई के नियंत्रण में, न गरीबों को 15 लाख रुपया देने में, तो अभी कन्फ्यूज का काम कर रहे हैं। कई तरह के लोग हैं, और गोदी मीडिया में कुछ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी, उनका काम ही है रोज भ्रम पैदा कर, और उनके कुछ समर्थक हम लोग की पार्टी में, जिसको एक समर्थक थे रणवीर नंदन, उनको कल निकाल के हम लोग बाहर किए, क्या बयान दे रहे थे 5 दिन से, वो बयान दे रहे थे कि मोदी जी और नीतीश जी विकास के प्रतीक हैं इसलिए दोनों को मिल जाना चाहिए। वो सलाहकार थे क्या मुख्यमंत्री जी के, सलाहकार नहीं ना थे मुख्यमंत्री जी, क्या करेंगे नहीं करेंगे ये मुख्यमंत्री जी तय करते हैं, ये मीडिया तय कर रहा है, गोदी मीडिया जेकर प्रोड्यूसर कोई है डायरेक्टर कोई है, इस सब का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर देश के गृह मंत्री हैं। ये पूरा भ्रम फैलाने का प्रयास सिर्फ एक ही काम है इनका, पूरे देश में पूरे प्रदेश में का कैसे भ्रम फैले कि नीतीश कुमार जी से बीजेपी की नजदीकियां बढ़ रही है। अरे काहे का नजदीकियां बढ़ेगी, आपकी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके तरफ देख के कोई थूकना भी नहीं चाहेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये आपके लिए संकेत है कि आप जो भ्रम फैला रहे हैं पूरे प्रदेश में गोदी मीडिया के माध्यम से कि नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी में नजदीकियां बढ़ रही है, उसका जवाब है, उसका काट है। नीतीश कुमार जी महागठबंधन में मजबूती के साथ हैं, नीतीश कुमार जी इस देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विपक्ष कि एकजुटता है उसके प्रतीक है, और देश का वो के सभी पार्टियों को एक मंच पर लाया उन्होंने, ये उनकी उपलब्धि है और ये उनकी का अचीवमेंट है, और उसी को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना,
धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।